अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस सोच के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। धरती हो या स्पेस, हर जगह अमेरिका सुपर पावर है। और इसी कड़ी में अमेरिका की स्पेस एजेंसी एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है, वो है रोबोट की फौज को अंतरिक्ष में भेजना, स्पेस में सर्विस स्टेशन बनाना। आखिर क्या है इसके पीछे नासा का नया मिशन, ये रिपोर्ट। नासा अंतरिक्ष में मौजूद अपने महंगे हार्डवेयर का रखरखाव करने पर लगातार जोर दे रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी स्पेस एजेंसी अपने तमाम सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी से जुड़े यंत्रों की सर्विसिंग और असेंबलिंग के लिए स्पेस में एक स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि नासा अंतरिक्ष यान में ईंधन भरने के लिए और सैटेलाइट की लाइफ को बढ़ाने के लिए स्पेस में रोबोट का इस्तेमाल कर सकता है। यूएस रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी सरकार ने इस साल अप्रैल में खास टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए रणनीति को भी तैयार किया था, जिसकी अगुवाई एसएनए उसो ओकोरो कर रहे हैं। नासा के एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगे रॉकेट और सैटेलाइट को नष्ट करना या फिर उसे कबाड़ छोड़ देना सही नहीं है। इसके लिए नासा रोबोट तैयार करेगा जो स्पेस में ही सैटेलाइट और बाकी यंत्रों के रखरखाव का ख्याल रखेगा।